हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का चैप्टर 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें आज हम पढ़ेंगे सेफोट्रॉप्स। सेफोट्रॉप्स क्या होता है, उस टॉपिक का नेम क्या है। तो सेफोट्रॉप्स मतलब रुतोपजीवी ये होता है। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। तो वेजिटेबल्स का जो मार्केट है उसमें हम मशरूम के पैकेट बिकते हैं, ये हम जानते हैं। यू हैव ऑल्सो सीन फ्रूटी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सोइल और ऑन रोटेटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन आती है तब सोइल के अंदर हम देखते हैं कि छाता जैसा कुछ होता है, ये मैंने बताया था, ये प्लांट होता है। रेनी सीजन के अंदर सोइल के अंदर ये अम्ब्रेला जैसा छाता जैसे प्लांट होते हैं। तो वो क्या है ये हम देखते हैं। मशरूम के पैकेट भी होते हैं और ये मार्केट के अंदर हमें बिकते हैं, ये हम जानते हैं। और जो सोइल के अंदर जब रेनी सीजन के अंदर ये भी हमें देखने को मिलता है। सोइल्स ऑन रोटेटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेट अस फाइंड आउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them। मतलब ये जो है मशरूम और ये अम्ब्रेला फल, तो ये सब कैसे न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, वो अपना फूड कहां से लेते हैं। तो पैकेज ऑफ मशरूम और मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल ये हमने देखा। तो जो मशरूम के पैकेट हुए वो सड़े हुए भी होते हैं कुछ। अब बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस वर्किंग ऑफ एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बुजो सोचने लगी ये प्लांट्स हैं तो न्यूट्रिएंट्स कहां से पाती है। यूजर दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। मतलब उसको तो कोई माउथ होता नहीं है, इसको भी माउथ होता नहीं है और मशरूम को भी माउथ नहीं होता, वो न्यूट्रिएंट्स कहां से पाते हैं। दूसरी बात, दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। मतलब उसकी ग्रीन पौधे भी होते नहीं तो क्लोरोफिल की प्रोसेस भी अंदर होती नहीं। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेटिक। मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेटिक की कोई प्रोसेस होती नहीं। तो वो न्यूट्रिएंट्स और फूड वो कहां से पाते हैं और कहां से बड़े होते हैं। मतलब उसके माउथ नहीं होते, क्लोरोफिल की वजह से भी नहीं होता, फोटोसिंथेटिक भी नहीं होता, तो वो कहां से होते हैं, मतलब प्रोडक्ट कैसे हो जाते हैं। अब एक्टिविटी 1.2, Take a piece of bread and moisten it with water. एक ब्रेड का टुकड़ा लो और भीगे, you know, in water. जो वाटर होता है उसके अंदर उसको डाल दो, उसको भीगे कर दो, ब्रेड का टुकड़ा। Leave it in a moist warm place for 2-3 days. उसको कैसे रखो, 2-3 दिन ऐसे रखो ब्रेड का टुकड़ा। ब्रेड का टुकड़ा कैसा होता है, ऐसा होता है हम जानते हैं। पानी में रख के देखो तो उसका कलर कैसा हुआ, तो ग्रीन होगा या ब्राउन होगा। ओके, ऐसा कलर उसका हो जाता है ब्रेक का टुकड़ा का। Until fruit pages appear on them, what is the color of these pages? Observe the pages under a microscope or a magnifying glass. उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी उसको देखो। Write down your observation in the notebook. मैंने बताया उसका कलर कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है और ब्राउन कलर का भी होता है। हमें लिखना है, मतलब लिखना है ऑब्जर्वेशन नोटबुक में। यू विल सीन कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ थ्रेड। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर कॉटन की जो थ्रेड, मतलब कॉटन की जो दोरी होती है, तांत्रा बोलते उसको, इस तरह की भी वो हो जाती है। तो फोंगी फ्रिंग ऑन ब्रेड,
तो ये टूट जाता है, माना ये टूटकर ऐसा होता है, निखर जाता है। तो कॉटन से ऐसे हो जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। तो ये सब क्या है? फंगी। ये सब क्या है? फंगी। तो फूल क्या होती है ये हमने जाना। ब्रेड का टुकड़ा पानी में रखा, दो तीन दिन बाद देखा वैसा हो जाता है, उसका फ्लेवर भी चेंज होता है। दे आर कॉल्ड फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पाने का अलग अलग मोड होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। तो ब्रेड अपने आप अंदर वो ऑब्जर्व अपने आप ले लेती है वो। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब मृतोपजीवी पोषण। ब्रेड के टुकड़े जो हो जाते दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन वो ले लेती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म taking nutrition from dead and decaying matter। तो जो मरे हुए dead सड़े हुए मरे हुए जो प्राणी होते इसके अंदर से पाचक मतलब digest जो होता है वो रस अपने आप ले लेती है। फिर ये dead decaying matter is called saprotrophic nutrition। इसकी वजह से saprotrophic nutrition होता है। saprotrophic और saprotrophic nutrition मतलब मृतोपजीवी पोषण। nutrition यानी पोषण। वो ऐसे फंगी पैदा होती है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोटॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोटॉप्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोटॉप्स। मतलब मृतोपजीवी बोलते हैं उसको सेप्रोटॉप्स बोलते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स लेदर क्लोथ एंड अदर आर्टिकल्स देयर आर लेफ्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑफ लॉन्ग टाइम। और गर्म या ह्यूमिड बेज वाला जिसके अंदर जैसे मिट्टी के अंदर पानी दिखता नहीं लेकिन पानी पानी मिट्टी होती है उसको ह्यूमिड लैंड बोलते हैं। इस तरह जो लैंड होती है इसके अंदर। और दूसरी बात फुंग कहाँ होती है? फुंगी कहाँ होती है? तो पिकल्स एक खाना जो हम खाते हैं लेदर चमड़े के जो कोई होता है वो क्लोथ कपड़े एंड अदर आर्टिकल्स एनी ऑब्जेक्ट इसके अंदर फुंग लग जाती है है। आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइलिंग मेनी थिंग्स। रेनी सीजन बारिश की सीजन होती है तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। स्पॉइल मतलब बिगड़ जाना फूंगी की वजह से। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फूंगी इन योर हाउस। तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हो ये फूंग जो होती है वो कहां से आती है और रेनी सीजन में कहां से होती है। हम देखते हैं रेनी सीजन में भी ये बेलपन देखने को मिलता है छाता जैसा होता है वो एक टाइप की फंगी है। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंग के जो बीजाणु होते हैं स्पोर SPORES फंग के जो बीजाणु होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं हवा में होते हैं। अब पहले कीप टू नो वेदर आर ब्यूटीफुल शूज विच शो फॉर ऑन स्पेशल ओकेजंस व्हेन स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन शी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो पहले ने अपने शूज मतलब अपने जो पहनने के जो शूज थे वो चप्पल अच्छी तरह से रखे थे रेनी सीजन में वो खराब हो गए। वो कैसे? तो हमने जाना कि स्पॉर फंगी के जो स्पॉर होते हैं एयर में होते हैं। दूसरी बात व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब वो वेट एंड वार्म बिनी वार्म थोड़ी सी गर्म उस जमीन पर वो गिरते हैं तो जर्मिनेट अपने आप ग्रो हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब जो हमारी जो चीजें है वो बिगड़ न जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सब ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। उसके बाद अब देखो पूजो से वंस हिज ग्रैंडफादर उसके ग्रैंडफादर से पूजो बात करती है टोली दैट इज वेट फील्ड्स मतलब जो वेट के गांव के खेत है वो। दूसरा वेरी स्पॉइल्ड बाय फंगस उसके ऊपर भी फूंग लग जाती है। दूसरी बात ही वांट्स टू नो इफ फंगस किसी डिजीज आल्सो
मतलब ये जो फूड है वो भी रोग पैदा करती है, खेत के अंदर भी रोग पैदा करती है। इसके फादर ने ऐसे बताया, पहले टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम, कुछ ऐसी फंगी थी जो ईस्ट ऐसी मशरूम आर यूजफुल, ईस्ट और मशरूम होती है वो बहुत यूजफुल होती है। दूसरी बात, बट सब फंगी कैसे दिस इज इन प्लांट्स, कुछ फंगी ऐसी होती है तो प्लांट्स के अंदर रोग पैदा करती है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उसके अंदर एनिमल और ह्यूमन यानी प्राणी और इंसान भी आ गए। सम फंगी आर आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, कुछ फंगी ऐसी भी होती है जो मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। अब मैंने बताया कि तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर इन सेफ वाटर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साथ में रहते हैं, सिर्फ वो दोनों साथ में रहते हैं और साथ में न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तो साथ में रहते हैं और साथ में न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। साथ में रहते हैं और साथ में अपना जीवन बता करते हैं, उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस यानी सहजीवन, एक साथ रहना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसके बारे में एग्जांपल देता हूं मैं, कैसे सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, तो वो जो रूट होता है मतलब वो जो प्लांट्स की जो रूट होते हैं उसमें रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स में से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है टू द फंगीज एंड, कुछ फूग ऐसी होती है जो प्लांट्स की रूट होती है इसके अंदर रहते हैं और उसमें जो उसे फूग मिलता है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉरी। एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, बाद में वो फूग होती है वो प्लांट को क्या देती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सर्टेन प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दोनों देती है। समझ में आ रहे हैं? फिर से फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फूग लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, फुका रहती है जो प्लांट्स के रूट है इसके ऊपर रहती है, बाद में प्लांट होता है द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न, प्लांट्स क्या करता है वो न्यूट्रिएंट्स एंड फूग न्यूट्रिएंट्स देता है फूग को, एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो फूग क्या देता है बाद में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स को देता है। ऐसे प्रोसेस चलती है, मतलब ये दोनों सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस यानी साथ में रहना। समझ में आ गया? दूसरी बात, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स, लाइकेन्स, लाइकेन्स क्या है तो दो प्लांट होते हैं इसके साथ नीचे जुड़ी हुई कड़ी होती है उसको लाइकेन बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, ऑर्गेनिज्म क्लोरोफिल काम करता है विच इज एन एल्गी, एल्गी एल्गी यानी लिव एंड ए फंगस लिव टूगेदर, साथ में फंगस भी होता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, जो फंगस होता है फूग तो वो क्या देता है साथ में रहते शेल्टर रहना वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज क्षार और फंगस को देती है। तो जो एल्गी होती है एल्गी प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, मतलब वो प्रकाश सिंथेटिक की वजह से सिंथेटिक्स की वजह से वो खुराक देती है, मतलब खुराक अपने आप बना देती है। ओके, तो ये है पार्ट नंबर 4 सेफ्रोटिस, सेफ्रोटिस यानी मृतोपजीवी और सिम्बायोसिस यानी सहजीवन और स्पोर यानी बीजन, ये सब हमने जाना। तो फूग कहाँ होती है और कैसे वो अपने आप खुराक बनाती है और साथ में कैसे जीती है ये हमने बताया। ये है चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन प्लांट का पार्ट नंबर 4, ये है सेफ्रोट्रॉप्स, ये हमने
पटेला। अब नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।